गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नव मीठी गुजराती पाठ्य पुस्तक कक्षा 3। चलो हम लेसन नंबर 13 पढ़ते हैं। नन्ही परी। वाह नन्ही परी, सपना में आवे मने नन्ही परी। सपने में कौन आ रहा है? नन्ही परी आ रही है। और सपना में आवे मने नन्ही परी, परी ले जाए मने परियो न देश में। परी कहाँ ले जा रही है? परी परियों के देश में लेके जा रही है। परियों ना देश में जगमगता तारला। परियों के देश में कैसे है, कैसा है? जगमगता तारला है। परियों ना देश में फूलों ना हिचका। परियों के देश में कैसा हिचका है? परियों के देश में फूलों का हिचका है। हिचका झुलावे मने नन्ही परी, और नन्ही परी उसको क्या कर रही है? हिचका झुला रही है। परियों ना देश में पवन पड़ा है। परियों के देश में जो पवन होती है, जो हवा होती है, वो परियों ना देश में जादुई छड़ी। परियों के देश में कैसी छड़ी है? जादू की छड़ी है। पड़ला में घुमावे मने नन्ही परी। नन्ही परी उसे क्या कर रही है? पड़ले में झुला रही है। जादू देखाड़े मने नन्ही परी। नन्ही परी उसे जादू भी दिखा रही है। ठीक है। परियों ना देश तो चोखो चढ़ा। परियों का देश कैसा है? चोखा यानी साफ और सुथरा है। परियों ना देश में नियमों पढ़ाए छे। परियों के देश में जो नियम होते हैं वो निभा रहे हैं। चोखाई ना पाठ मने सिखावे परी। चोखा यानी साफ सुथरे का जो पाठ है, साफ सुथरे का जो ये है, वो उसे वो बता रही है, सिखा रही है। स्वच्छता ना पाठ मने सिखावे परी। स्वच्छता क्या होता है इसके बारे में भी परी उसे बता रही है। सपना में आवे मने नन्ही परी। वो सपना में आवे मने नन्ही परी। सपना में कौन आ रहा है? नन्ही परी आ रही है। ये जो परी होती है ना, ये परी जो इस बच्चे के सपने में आ रही है, और उसे वो अपने देश में लेके जाके अपने देश के नियम पालन के बारे में बता रही है, वहाँ के खूबसूरती के बारे में उसे बता रही है। ठीक है।